कन्वेंशनल एकेडमी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या आ गए, बेताशा आपका टाइम वेस्ट होना है, आने जाने में, लेक्चर्स के दौरान वो लेक्चर सुनने में जो आपको पहले आते हैं, आपके लेक्चर के दौरान आपको पता है कि जो एक दो फिलोसफर होंगे उन्होंने जो थोड़ी डालनी है उसके अंदर, अनड्यू डिस्कशंस के अंदर, तो कितना सारा वो सारा टाइम अगर आपका सेल्फ स्टडी में जाता आपका स्कोर बहुत इंप्रूव होता। फिर इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जैसे अगर मैंने इस वक्त नेशनल एमडी कैट की तैयारी करनी होगी, मैं ये पसंद करूंगा कि मैं रात के टाइम पे बैठ के तसली से लेक्चर सुनूं, रात के टाइम पे बैठ के तसली से लेक्चर सुनूं और दिन के टाइम पे मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करूं। लेकिन एकेडमी ने आपको तभी लेक्चर देने, आप सुबह सुबह जब आप आओगे फ्रेश फ्रेश माइंड के साथ, एकेडमी ने आपको बोरिंग लेक्चर्स देने, और जब आप थक जाओगे तब एक मुश्किल काम आपके सामने आ जाएगा करने वाला, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है। सो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसके अलावा जो वो अडेप्टेबिलिटी भी नहीं है। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी से मुराद यह है कि जैसे जैसे आप सिस्टम में काम करते हो आपके मुताबिक एडजस्ट करें, आपके जैसे गलत सवालों का पूल इकट्ठा हो रहा है, आपके मार्क क्वेश्चन का पूल इकट्ठा हो रहा है, पास क्वेश्चन आप तरीके से कर रहे हो, हर एक टॉपिक की रिपोर्ट आपकी बन रही है, सो ये सिस्टम आपके मुताबिक एडजस्ट कर रहा है, लेकिन वहां पे ये भी नहीं है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला आज की अहम तरीन टिप मैं आपको देने लगा हूँ, वो ये है कि अकेडमीज ने आपको अननेसेसरी बुक्स और नोट्स के साथ ओवरबर्डन कर। अब देखिए आपकी स्टोरी चलती कैसे है, जब आप अकेडमी ज्वाइन कर लेते, आज आप अकेडमी में गए, पहले दिन जनाब चार लेक्चर हो गए, घंटे में उन्होंने आपको बता दी कि उनका कोई टेस्ट होगा, उस घंटे में पहले दिन बेबी को ओरिएंटेशन तक लेक्चर रखते हैं दिस सेट। अगले दिन आप जाओगे, वो जनाब आपको आपको पकड़ा देंगे जी, ये किताबें हैं हमारी जो कि उन्होंने आज से 10 साल पहले लिखी थी, तो ये किताबें बेटा जी, ये किताबें भी आप लोगों ने पढ़नी है। अब आप अपनी क्या करोगे, अपनी आप किताबों को वो जो नई उन्होंने दी आप उन सबको खंगालना शुरू कर दोगे, पहली दफा उनको पढ़ना शुरू कर दोगे। अब उससे अगले दिन आप अकेडमी में जाओगे, वो अपना ऑनलाइन पोर्टल पढ़ा देंगे। अब ऑनलाइन पोर्टल भी उन्होंने ऐसे बनाए हुए हैं जो कि सिर्फ अकेडमी के साथ साथ चले, वो ये चाहते ही नहीं है कि बच्चा इंडिपेंडेंट होकर तैयारी कर सके, तो उन्होंने अकेडमी जो ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए हैं उनके अंदर थोड़े सवाल हैं, लेक्चर जनाब ऑन ऑफ होते रहते हैं, सारे लेक्चर ऑल टाइम अवेलेबल नहीं है, रिवीजन नोट्स है ही नहीं, सो टेस्ट जो है वो टॉपिक वाइज भी नहीं है, वो यूनिट वाइज है, पास क्वेश्चन का पूल किसी ने बनाया ही नहीं है, सो उनमें भी मसले हैं। सो देखें अब होता ये है, आपने अब आप देखो आप लोगों के पास जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा, अभी फर्ज करो आपके पास इतना टाइम है एग्जाम की तैयारी के लिए, जैसे 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 एग्जाम पास आएगा आपके पास टाइम क्लेम होता जाना है, और आप लोगों ने क्या करना है, आपने एग्जाम के पास जाते जाते अपना जो खिलाड़ा है वो पढ़ाते जाना है। कैसे पढ़ाओगे, पहले नंबर पे आपकी टेक्स्ट बुक्स तो है ही है, वो तो चलो पढ़नी पड़नी है ऑफिस, नंबर दो पे अकेडमी की किताबें आ गई, फिर अकेडमी के जनाब वो उसका लर्निंग पोर्टल भी आ गया, और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ टेक होम असाइनमेंट्स आ जाएंगी, फिर उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करते हो, अब डिफरेंट डिफरेंट जगहों से डिफरेंट रंग बिरंगे रिसोर्सेज आने शुरू हो जाएंगे, अब उनको इकट्ठा करना शुरू कर दोगे। हमने जो रिसर्च की है लास्ट ईयर, जो टॉप ग्रेड की टीम ने रिसर्च की है लास्ट ईयर, उस रिसर्च में बहुत ही क्लियरली ये चीज सामने आई है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर वो कौन सा था, दैट वॉज using unnecessary resources कि वो हर चीज पढ़ते हैं और इसी वजह से वो अपनी किताब ही नहीं पढ़ पाते। ठीक है, they try to do everything and they end up doing nothing। ठीक है, so ये most common cause of failure है कि उन वो scattered way में तैयारी कर रहे होते हैं। So याद रखें कि अगर आप बहुत सारी चीजों के साथ, आप देखें एक टॉपिक आपने पढ़ना, उसके लिए आपने अगर 6 resources खोले हैं different, तो आप ज्यादा वर्क गर्दानी करेंगे, आप पढ़ने पर टाइम कम लगाएंगे। So ये बहुत ही अहम बात है। So, academies ने आपको ओवरबर्डन करना है unnecessary books और notes के साथ। फिर बहुत सारे टीचर्स जनाब आप वो कैब है, आपको करने की जरूरत ही नहीं है, वो लॉजिकल रीजनिंग है, वो भी आपकी एक दो दिन की तैयारी है जस्ट, लेकिन अब क्योंकि आ गया सिलेबस के अंदर आपका माइंड फ्रेश जाएगा, आपको पता नहीं है कि क्या इनके डाउट्स हैं, अब दुनिया जाकर नोट्स आप लोगों ने इकट्ठे करने शुरू कर देते। टीचर्स भी जब देखते हैं कि मैथ वाले टीचर जब देखते हैं कि जी अच्छा ये तो हमारी गेम अब इसमें भी शुरू हो गई है, एमकैट के अंदर भी शुरू हो गई है, अब वो उसको जना ओवर करने की कोशिश करते हैं। So, इस तरीके से, और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मसला ये होता है कि आपके जो सब्जेक्ट का टीचर होता है, जैसे इंग्लिश का टीचर आपको एकेडमी में इंग्लिश ऐसे पढ़ाएगा जिसे आपने सिर्फ इंग्लिश ही पढ़नी, बाकी आपने और कोई मजमून नहीं पढ़ना, उस लेवल पे जाकर आपको पढ़ाना चाहता है, लेकिन आपने आपके पास सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग बकेट्स हैं, हर एक को आपने खुद से मैनेज करना है। और इसके अलावा टेस्टिंग सिस्टम के जो मसले मैंने आपको ऑलरेडी बेताशा बता दिए, टेस्ट थोड़े होंगे और उसके अलावा आपकी नीड के अकॉर्डिंगली नहीं होंगे, यूनिट वाइज होंगे, डिस्कशंस लेट होंगी, इनडेप्थ क्वेश्चंस के आप टेस्ट नहीं दे सकते, पास क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज नहीं मिलेंगे, 100 मसले हैं टेस्टों के अंदर एकेडमी के। फिर सिलेबस कवरी लेट होनी हो रही है, ऑनलाइन में तो ये है ना कि अगर आप चाहो आप बैठो आप पूरी पूरी रात लेक्चर सुन के जल्दी से सिलेबस कवर करो, आप टेस्टों के ऊपर आ जाओ, आप कर सकते हो। फिर रियंस के लिए टाइम नहीं बचना आपके पास, और प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी एकेडमी ने आपको नहीं दे रही, एकेडमी ने आपको ये नहीं बताना कि जी आपकी तैयारी इतने फीसद हो गई है,
ठीक है। और इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल्स भी मैंने सारे पोर्टल्स देखे हैं, बहुत ही लिमिटेड फीचर्स है, लाइक टॉप ग्रेड का 8वां हिस्सा होंगे, इतने लिमिटेड फीचर्स है, और वो भी बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी से यूज नहीं करने दिए जाते, क्योंकि अकेडमी चाहते हैं कि बच्चा अकेडमी आता रहे। और इसके अलावा आपको वेट भी करना पड़ता है, सेशन स्टार्ट होगा तो तैयारी शुरू होगी। जैसे जी आपने अगर अकेडमी का सेशन 28 जुलाई को शुरू हो रहा है, आप 28 जुलाई से उसको ज्वाइन कर सकते हो, उससे पहले नहीं ज्वाइन कर सकते। तो ऑनलाइन के अंदर ये सारे जो डिसएडवांटेजेस है, ऑनलाइन में सारे फायदे हैं, आपका टाइम बचता है, जैसे मर्जी पढ़ो जब मर्जी पढ़ो, और सिर्फ जो हमने टॉप ग्रेड के अंदर दे दिया, टॉप ग्रेड प्लस टेक्स्ट बुक्स, बस ये टॉप ग्रेड प्लस टेक्स्ट बुक्स, इनको कवर करने के लिए आपको डेली बेस पे 12 से 14 घंटे चाहिए। और आप सारी अकेडमीज के ऑनलाइन भी मिला लो, इनकी टेस्ट, वो सारी अकेडमीज के रियल वर्ल्ड टेस्ट भी मिला लो, सबको मिला के जितना बनेगा टॉप ग्रेड अकेले में उतना बन जाता, इतना बड़ा ये पूल है क्वेश्चंस का और डेटा का। सो दिस इज लॉट ऑफ पावर इन योर हैंड्स, इस पावर को आप लोग यूज करो। और किया भी हमने, हमने तो इसको एज अ सर्विस ही किया है कि इसको हमने ऑलमोस्ट फ्री कर दिया। हमारे चार्जेस इसके 20,000 रुपीज थे, हमने इसको रिड्यूस करके ओनली 5,000 कर दिया इस प्रोग्राम के, कि बच्चे मैक्सिमम इससे बेनिफिट है। सो एक एकेडमी जहां पे आपसे 40-45,000 चार्ज करेगी, वहां पे जस्ट 5,000 इज नथिंग। सो ये 1/8 प्राइस पे मैं कहूंगा 8 गुना ज्यादा बेहतर तैयारी है आप लोग इसमें से। लेकिन जो जस्ट जो वाइज स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को समझ पाते हैं। सो टेस्टिंग सिस्टम इसमें आपने देख लिया ऑलरेडी कितना पावरफुल है। सिलेबस कवरेज आप जैसे मर्जी कर लो, जितनी जल्दी करना चाहो कर लो, ठीक है। रिवीजन आप जितनी मर्जी करो, रिवीजन नोट्स के थ्रू भी, प्रोग्रेस ट्रैकिंग वो आपके पास है, अनलिमिटेड फीचर्स हमारे पोर्टल के अंदर, और सारा कंटेंट ऑल टाइम अवेलेबल। ऐसा कभी भी नहीं होगा जी ये लेक्चर गायब हो गया, ये आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सारा कंटेंट फ्लेक्सिबली आप इम्तिहान तक यूज करो, और आपको सेशन स्टार्ट करने की, स्टार्ट होने की भी वेट करने की जरूरत नहीं है। आज आप टॉप ग्रेड को ज्वाइन करो, आपका सेशन आज से शुरू।